हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता केनो डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो कुछ कुछ डोसे जैसा आता है। तो अगर आपको डोसा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि जो इसका मेथड है वो डोसा बनाने से काफ़ी सिंपल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो आप इसे क्लिक कर लें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, आप इसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए और जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल लें। इसे हम गर्म होने देंगे, तेल हमारा गर्म हो गया। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब सरसों के दाने, आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम क्रैकल होने देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चने की दाल, ये कच्ची चने की दाल है, मैंने इसे भिगोया नहीं है, इसे हम ऐसे ही डालेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब उड़द दाल धुली हुई, ये भी कच्ची है और इसे मैंने पकाया नहीं है, ना ही मैंने इसे भिगोया है। इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले पक जाएं। और गैस को मैंने अब लो पे कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है। अब हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, तो बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, इसे अच्छे से मैश कर लें और मसालों के साथ मिक्स कर दें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे, और जो बड़े आलू रह गए हैं उन्हें हम मैश कर देंगे अच्छे से। और इस मसाले को हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है, जितना आप भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, गैस बंद कर देंगे और इस मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर 1 कप मैदा डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और एक बैटर तैयार करना है हमें। तो पहले हम थोड़ा सी पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी। पहले थोड़ा पानी ऐड करें और इसे अच्छे से फेंटें ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। आप चाहे तो हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ चम्मच से कर रही हूँ तो वो आपके ऊपर है, अगर आपके पास हैंड विस्क हो तो आप उससे करें, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो हमें एक पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है, जब आप ऊपर से इसे गिराएं तो ये एक धार में गिरे और बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो इसमें मुझे करीब 1/4 गिलास पानी लग गया है, और ये देखिए इस तरह का बैटर चाहिए, जब आप गिराएं तो ये आराम से गिरे और बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लें इसे। ये देखिए मैं गिरा रही हूँ तो ये एक धार में गिर रहा है, तो इस तरह का हमें बैटर चाहिए।
ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसके शीट्स तैयार करेंगे और मैंने गैस पे नॉनस्टिक तवा रखा है, इस पे हम ये बैटर डाल के डोसे की तरह फैलाएंगे और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अगर आपको लगे कि चिपक रहा है तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं तवे पर, मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं किया है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो इस तरीके से हम इसे हल्का हल्का सेक लेंगे दोनों साइड से, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। तो ये देखिए हमारी शीट बिल्कुल तैयार हो गई है, एक और तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी शीट्स तैयार करनी है, जैसे हम डोसा बनाते हैं सेम उसी तरीके से। और गैस को बिल्कुल लो पे रखिएगा, अगर तेज़ रखेंगे तो आपकी शीट्स नहीं बन पाएंगी। तो आप जब आपका तवा गर्म हो जाए तो गैस को बिल्कुल लो पे कर दें और फिर ये शीट्स बनाएं, तो ये बहुत आराम से बन जाएंगी। इस तरीके से आप सारी शीट्स तैयार कर लें। तो ये देखिए हमारी सारी शीट्स तैयार हो गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत पतली पतली शीट्स बनी हैं ये देखिए इस तरीके से। और मेरा हाथ भी देख सकते हैं आप, नीचे हाथ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पतली शीट्स बनती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। यहाँ पे जो मैदा का घोल था वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, तो ये शीट्स ले लिए मैंने। इसके अंदर एक चम्मच मसाला डाल दिया है और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से इसे रैप करना है। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट लगाते जाएंगे और इसे चिपकाते जाएंगे, एक तरह से पॉकेट की तरह तैयार कर लेंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से भी चिपका देंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी चिपका देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये आराम से चिपक जाएगा और इसी तरीके से हम बाकी सारे तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने फिर से शीट ली है, इसके अंदर फिर से हम एक चम्मच स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, अगर स्टफिंग आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी जो शीट है वो फट जाएगी, इसलिए एक चम्मच से ज़्यादा स्टफिंग ना डालें, नहीं तो आपकी शीट फट जाएगी और आपकी सारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है। तो इस तरीके से हम ये पेस्ट लगा के इसे चिपका देंगे, ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरीके से हम सारे जो शीट्स हैं वो इस तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने तैयार कर ली हैं, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे बहुत कम तेल में फ्राई करने वाली हूँ, ये मैंने फ्राइंग पैन रखा है, इसमें मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ और इतने में ही हम सारे जो अपने स्नैक्स हैं वो फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ये पॉकेट्स डाल देंगे और गैस को हमें मीडियम पे रखना है और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हम इन्हें इस तरीके से छोड़ देते हैं और आप पलट के देख लेते हैं। तो ये देखिए हल्का सा कलर आ गया है, अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं, तो हमें इसे दोबारा पलट के सेकना पड़ेगा। तो इन्हें हमें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है, तभी ये बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक डोसे की तरह आता है। तो अगर आपका डोसा खाने का मन करे तो आप ये स्नैक बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। जैसे डोसा क्रिस्पी होता है, सेम उसी तरीके से ये स्नैक्स भी क्रिस्पी होते हैं ऊपर से। ये देखिए काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होते हैं। जितना अच्छा कलर आएगा उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी होंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। जब भी बच्चों को भूख लगे आप फटाफट बनाकर दे सकते हैं उन्हें, आप खुद भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें बनाकर लंच में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इन्हें हम अच्छे से सेक लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ऊपर से, अच्छा सा कलर आ जाए इनके ऊपर, ये देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी। तो ये देखिए अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं।